तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है आज, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, माँ के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। तो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ते हुए मंदिरों में। सौभाग्य और शांति की देवी है माँ शैलपुत्री, और नवरात्र के पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। उनका अपना एक महत्व है। माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना और माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ते हुए, वहीं मंदिर में भी प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि सहूलियत से दर्शन कर सकें। गोरखपुर से विनय और मेरठ से कपिल सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मेरठ में का रुख कर लेते हैं, जहां कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, भक्तों में खासा उत्साह और मंदिरों में भारी भीड़। तस्वीर मेरठ से क्या कहां जी? बिल्कुल, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटी, इन्हीं मुरादों को लेकर अब भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में लगने लगी है। अगर बात करें मेरठ की, मेरठ के सदर स्थित सिद्धपीठ काली मंदिर में भक्तों का तादाद लगना शुरू हो गया है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो करीब 400 साल पुराना मंदिर है, जिसको बंगाल से आए नीलकंठ बनर्जी ने यहाँ आकर बना दिया था। 400 साल पहले नीलकंठ बनर्जी यहाँ आए और परिवार के साथ यही बस गए, जिसके बाद उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। और अब जो उसके बाद माता की मूर्ति स्थापित की, जिनकी ग्यारहवीं पीढ़ी माता की सेवा करती आ रही है। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति माता की मूर्ति को ऐसे स्पर्श नहीं कर सकता। जो लोग सिद्धि प्राप्त है वो ही माता की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। और भक्तों की बात करें तो न केवल भारत से बल्कि पूरी देश विदेशों से यहाँ भक्त आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जिन भक्तों की मुरादें पूरी नहीं होती वो माता के दर्शन करते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो या नारियल और चुनरी माता को भेंट करते हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, आप कहें तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? कितने साल से माता के दर्शन करने आ रहे हैं और अपने आप क्या पीछे 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 सारी मनोकामना पूरी होती है, सबकी जो ये होने वाली माँ काली वाली। और मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं 40 साल से माँ की सेवा में आ रहा हूँ। माने को जो सिद्धि मैंने यहाँ देखी है, यहाँ पे चमत्कार देखा है, जो कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन माताएं जो सबके दिन में बसी है और सबके लिए क्या कहना चाहिए ठीक है, मैं लौटूंगी अनिल आपके पास। और संवाददाता विनय भी हमारे साथ गोरखपुर से लाइव बने हुए हैं। विनय, आपकी कहाँ पर मौजूदगी है और वहां पर भक्तों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है चैत्र के नवरात्र के पहले दिन? देखिए, हम इस समय मौजूद हैं गोलघर के काली मंदिर। काली मंदिर सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं माँ काली का दर्शन कराना चाहूंगा। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और सुबह से ही भक्तों का जो है, भक्तों की जो भीड़ उमड़ पड़ी है और सुबह से ही लोग दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और यहाँ काली मंदिर में सबसे खास विशेषता है कि यहाँ जो है माता की मूर्ति स्वयं निकली थी, जिसके बाद यहाँ जो है बड़ी मूर्ति स्थापित की गई जब मंदिर का निर्माण कराया गया। और लोगों का आस्था का एक बड़ा केंद्र है, लोग दूर दराज से यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। रोजाना भीड़ यहाँ होती है, लेकिन चैत्र नवरात्र का पहला दिन है तो यहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों की कतार लगी हुई है। लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, अपनी मन्नतें लेकर आ रहे हैं और यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ भीड़ लगी हुई है। कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? भैया, हम गोरखनाथ से आए हैं। गोरखनाथ से आए, कितने साल से आ रहे हैं मंदिर? हम तो बचपन से ही इधर आते हैं। बचपन से आ रहे हैं जी सर। मनोकामना पूर्ण होती है एकदम, माता रानी के आशीर्वाद से सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, यहाँ जो भक्त आ रहे हैं और भक्त पहुँची हुई हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम नौका विहार से आ रहे हैं। अच्छा, दर्शन करने आई जी। मनोकामना पूर्ण होती है जी? बिल्कुल, माता रानी का आशीर्वाद है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बस माता रानी में आस्था होनी चाहिए आपको।
देखिए भक्तों का जो सुबह से जो तांता है सुबह से लगा हुआ है, लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिरों में छोटी हो या बड़ी मंदिर सभी मंदिरों में चैत नवरात्र का पहला दिन है तो वहाँ लोगों का दर्शन करने के लिए जो भीड़ है हम दिखाना चाहेंगे। जो बाहर की जो भीड़ है देखिए लगातार भक्त यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर अलीनगर से। अलीनगर से आ रहे हैं दर्शन करने आते हैं यहाँ? जी हाँ। कितने सालों से आ रहे हैं? विगत 25 सालों से हर नवरात्र के वक्त ही आते हैं। आप भी दर्शन करने आई हैं? कहाँ से आ रही हैं? अलीनगर से। अलीनगर से कितने सालों से आ रही हैं? 200 साल से। क्या मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ हाँ सब चीज पूरा होता है। देखिए यहाँ जो है जो भक्त आते हैं अपनी सभी मनोकामना लेके आते हैं और मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, हाथ में जो है सभी के प्रसाद है, नारियल चुनरी लेकर यहाँ माँ का जो है दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ जब भक्त पहुँचते हैं, जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तब भी दर्शन करने के लिए आते हैं। लगातार ये बिल्कुल बिना लौटेंगे एक बार फिर से कपिल आपका रुख करना चाहेंगे। भक्तों में कितना उत्साह है, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी उत्साह को देखते हुए मंदिरों में किस तरह के विशेष प्रबंध हैं सहूलियत के साथ भक्त जो है वो दर्शन कर सके, वो तस्वीर जरा आप दिखाइएगा कपिल। दो साल पहले नीलकंठ बनर्जी में या परिवार के साथ आ गए थे, उसके बाद इन्होंने या पहले सिद्धि प्राप्त की, उसके बाद मूर्ति की स्थापना करी और जब से अब तक माता की जो मूर्ति है यही पर है और जो जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त है वो भी जो माता की मूर्ति को फर्स्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति माता की मूर्ति को नहीं छू सकता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी भीड़ हो चुकी है और लगातार जो भक्त है वो माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक मैडम हमारे साथ मैडम पास आए हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दिव्या एंड आई एम फ्रॉम जमपुरी और मैं मेरठ से ही मैंने पढ़ाई कम किया थी तो मेरठ ही रहने वाली हूँ और बाकी मैं यहाँ पे कोटला में हूँ, पति हूँ। मंदिर के बारे में, माता के बारे में क्या कहना चाहिए? माता के बारे में सर ये कहना चाहूंगी कि माता अपने भक्तों पे सभी से कृपा करती है और हमेशा से करती आई है, जैसा कि आपने पहले बुक्स में या